Hello students, this is example 8.1 from new book and example 9.1 from old book, chapter force and laws of motion. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. तो यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है 5 kg और ड्यूरेशन मतलब टाइम दिया हुआ है 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी 3 meter per second और दो सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड. हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो हमें फाइंड करना है फोर्स. फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. मास आपके पास अच्छा एक्सेलरेशन हम निकाल लें. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी इक्वल टू यू प्लस एटी. यहां से वी माइनस यू इक्वल टू एटी. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन की जगह डायरेक्ट यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी पुट कर दें. अब वैल्यूज पुट करते हैं. मास है 5, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल 3 अपॉन टी 2. सॉल्व करते हैं 5 इंटू यहाँ पर हो गया 4 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 10 न्यूटन फोर्स आ गया. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं. नाउ इफ ये अपना हो गया पूरा. नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स. तो फोर्स वही जो हमारा है 10 न्यूटन का और हम इसको 5 सेकंड्स तक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जितनी थी वही लेनी है. इनिशियल कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, वो वही लेनी है. अब देखो फॉर्मूला क्या लगाए हम. फॉर्मूला हमारे पास है एफ इक्वल टू एम ए या एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. अब आपके पास यहाँ क्या क्या है. फोर्स है 10, मास तो वही है 5 के जी. v माइनस यू अपॉन टी सारी वैल्यूज है. v निकालना है आपको. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो फोर्स हमने ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स तक के लिए लगाया तो 5 कैंसिल. 10 इक्वल टू v माइनस 3, माइनस 3 की साइड चेंज करेंगे प्लस 3 हो जाएगा. सो v कम्स आउट टू बी 13 मीटर पर सेकेंड. दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट.